है नहीं, क्योंकि गरीब का बच्चा यदि पढ़ लेगा तो गरीब का बच्चा सवाल करेगा, और ये सवाल, ये सरकार सवाल सुनना पसंद नहीं करती है, ये तो एक प्रकार से। और मैं तो कहता हूं सर, सरकार है ही नहीं, क्योंकि सरकार का काम है जनता की समस्या का समाधान करना, उसका जो समस्या है वो किस प्रकार से उसका निपटारा हो इसको देखना, लेकिन ये सरकार तो स्वयं ही समस्या को पैदा करती है सर। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी किताबों पे, कॉपी पे, पेंसिल, रबर, कटर, कलर पे टैक्स नहीं लगा, लेकिन ये सरकार ने, हमें तो लगता है अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज कोई ऐसा चीज नहीं है जिस पे सरकार ने टैक्स नहीं लगाया है, चाहे वो आटा हो, चाहे चावल हो, वो तो भोजन की चीज है के साथ साथ पढ़ाई के चीज पे भी सरकार ने लगाने का कार्य किया है। और इनके कैसे कैसे सिर फिरे बीएससी आते हैं सर, कोई कांवड़ियों को सेवा करने के लिए आदेश जारी कर देता है, तरह तरह के, कोई ये पूरे कोरोना के समय में एक एक अध्यापकों की ड्यूटी लगवाया गया था, और ये सरकार कभी भी पढ़ाई को प्राथमिकता में नहीं रखती है। और अभी तक अभी विद्यालय में डीबीटी का कार्य हो रहा है, ड्रेस पहले बच्चों को मिले, अरे ड्रेस बाद में भी मिल सकता है, पहले पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई सरकार नहीं चाहती है कि गरीब का बच्चा पढ़े। और अभी आप सरकार हरियाणा में देखा होगा, हरियाणा में जिस प्रकार से तुगलकी आदेश जारी हुआ है कि सरकारी स्कूल में नाम लिखाओगे